भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय सचिव हूँ, ठीक है, ग्रुप का। और जो हमारे इन सारे जिलों में सरोत जो खाप है जिससे मैं संबंध रखता हूँ, वो सबसे बड़ी खाप मानी जाती है और वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। इसलिए सारे फैसले सुनाने की जिम्मेदारी हमें सौंप दी गई, तो वो सुना दिया हमने। तो फैसला ये हुआ है कि सबसे पहले पंचायत की तरफ से जो बेचारे दिवंगत आत्माएं उनका तो श्रद्धांजलि अर्पित की गई, दूसरा जो बेचारे चले गए हैं उन परिवारों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा और 1 सरकारी नौकरी देने की पंचायत की तरफ से मांग की गई है। जो घायल हैं वेंटिलेटर में उनके परिवारों को 50 लाख रुपए की मांग की गई है। चौथा, जितने भी केसेस यहां दर्ज हुए, उन जितना भी ये घटना हुई है, जितनी भी ये हिंसा हुई है, जो भी दंगा हुआ है, उस सब की सरकार से हमने मांग की है पंचायत ने NIA जांच करे, ताकि जिसकी किसी की अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी कोई साजिश हो या सीधा जुड़ा हुआ है, उस सब की दूध का दूध पानी सामने आ जाए। मौजूदा जांच पर यकीन नहीं है, हम ये कह रहे हैं। हमने तो NIA की बात कर दी ना, पंचायत का फैसला है, पंचायत इसी उस पर तो किया है हमने। अच्छा, यात्रा को लेकर भी कहा गया, वो क्या कहा गया 28 तारीख के लिए यात्रा, थोड़ा सा उसका खाका बता दीजिए, क्या रूपरेखा? नहीं, खाका तो वो बनाएंगे जो हमारे जो इनके जो संगठन जो यात्रा निकालेंगे, धार्मिक संगठन, खाका वो बनाएंगे। उन्होंने निवेदन किया पंचायत के सामने कि हमारी अधूरी यात्रा रह गई है, हम निवेदन कर रहे हैं पंचायत के सामने हमारी इस यात्रा को स्वीकृति प्रदान करें। उन्होंने निवेदन किया, हमने विचार विमर्श करके ये तय किया हमारी तरफ से स्वतंत्र हो, आप 28 तारीख को निकालो और पंचायत का जिस प्रकार से समर्थन है आप रहो, और छूट है जो भाई जाना चाहे यात्रा में जाए। किसी समाज के दूसरे समाज के खिलाफ कोई बात करना ही उचित नहीं है, क्योंकि हमारा स्वार्थ तभी सामंजस्य बना रह सकता है जब आपस में इकट्ठे मिलजुल करके भाईचारे के साथ रहेंगे। ये अपील मैंने की है और वो पंचायत शायद अभी चल रही है तो उसकी जानकारी मैं लूंगा इस कार्यक्रम के बाद। यात्रा निकालने की बात हो रही है, क्या आप लोग उसके लिए तैयार हैं? सरकार जैसा सामने उनकी ओर से विषय आएगा उसके बाद ही बात करेंगे, क्योंकि अभी तो 15 अगस्त की तैयारियों में सब लोग लगे हैं। इसके बाद वो कब कार्यक्रम करते हैं, कितना करते हैं, कैसा करते हैं, जैसे परमिशन वो लेंगे सरकार से। हमने हर तरह से प्लान करके रखा हुआ था पुलिस की तरफ से और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, और दूसरी एजेंसीज भी पूरा यहाँ पे अलर्ट थे, लेकिन यहाँ सब कुछ शांतिपूर्वक निकला जैसे आप लोगों ने भी देखा है। कुछ उन्होंने डिसीजंस अपने एक डेमोक्रेटिक वे में लिए हैं, तो वो हालांकि काफ़ी लंबा टाइम लगा, लगभग 10 बजे से ये चल रही थी, अभी 4 बजे कंक्लूड हुआ, लेकिन कुछ भी इसमें अप्रिय घटना नहीं हुई। पुलिस का हमने हर तरह से नाके लगा रखे थे जगह जगह पे, और कुछ भी ऐसा अशांति वाला माहौल नहीं बना, तो दैट्स ऑल राइट। सर, स्पीचेस को मॉनिटर किया गया था कि कुछ नेता थे यहाँ पे उनका थोड़ा सा बहाव दूसरी जगह चला गया था, ऐसा मॉनिटर कुछ किया गया? लेकिन जितना मैंने देखा पूरा असेंबली में, जितना मैंने सुना, बीच बीच में मैं इधर उधर और भी मूवमेंट कर रहा था, तो कुल मिला के दिस वॉज वेरी पीसफुल, और कोई ऐसा एक्सट्रीम कोई स्पीच किसी का नहीं नोटिस में आया अभी तक, तो उस हिसाब से। एंड कई सारे इसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी थे जो देखने में आया, उसके अलावा दूसरे समाज के संगठनों से लोग थे, तो सबने अपनी जो एक लैंग्वेज थी उस पर बहुत कंट्रोल रखा, और कुछ भी क्योंकि यहाँ पे यंगस्टर्स भी थे तो उनकी तरफ से भी मैं ये कहूँगा कि उनका अपना एक डिसिप्लिन्ड वे में ये रखा गया, तो काफ़ी ठीक रहा।